पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं इस मुठभेड़ में एक सिपाही को भी चोट लगी। बहराइच की रानीपुर पुलिस ने मुठभेड़ कर 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया है। वहीं दो शातिर बदमाश मौका पाकर फरार हो गए। बुलंदशहर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी तार बाबू गोली लगने से घायल हो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से हरिद्वार ऋषिकेश के लिए 5 बसों की सौगात दी है। बसों को मंत्री सुरेश पासी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं। अयोध्या में नए प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रमुख अभियंता परियोजना सिंचाई कुणाल कुलश्रेष्ठ ने राम की पैड़ी का निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके के एक टायर गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग से लाखों का माल जलकर राख हो गया। कानपुर के फीलखाना इलाके में थाने से चंद कदमों की दूरी पर बदमाशों ने युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। वहीं अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शामली के दयानंद नगर में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को मौके से कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। संभल के चंदौसी इलाके में 22 साल के युवक का शव पेड़ से लटका मिला। युवक की शर्ट के जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ। बदायूं के बिलसी इलाके में डकैतों ने डकैती डालकर लाखों के लूटपाट को अंजाम दिया है। वहीं लूट का विरोध कर रहे एक ही परिवार के 4 लोगों को पीट पीट कर घायल किया गया। हाथरस के एक कॉलेज प्रबंधक को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। घायल कॉलेज प्रबंधक ने फीस के विवाद में छात्र पर गोली मारने का आरोप लगाया। शामली में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों ने पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया है। बलिया में सरकारी डॉक्टर की लापरवाही से महिला की तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए चीरा लगाकर महिला को छोड़ दिया। लखनऊ के कैंट में रहने वाली एक विवाहिता को उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए जमकर मारा पीटा। कन्नौज में एक छात्रा ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र पर शारीरिक शोषण किए जाने के गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ के कैंट थाना इलाके में एक ढोंगी बाबा ने भूत प्रेत की बाधा दूर करने के बहाने नाबालिग के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। हरदोई के काशोना इलाके में प्रेमी शादी का झांसा देकर प्रेमिका का 2 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। वहीं पीड़िता न्याय के लिए अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काट रही है। आगरा के इत्मादपुर इलाके में सड़क किनारे एक महिला लावारिस हालत में पड़ी मिली। महिला ने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। मेरठ में मैरिज ब्यूरो पर पुलिस ने छापेमारी कर 2 युवक और 3 युवतियों को हिरासत में लिया है। ये लोग फर्जी काम कर रहे थे। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में देशी शराब के ठेके पर 10 बजे के बाद से ही शराब बेची जा रही है। वहीं पुलिस को सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक युवक ATM मशीन को नकली चाबी से खोलकर रुपए निकालने की कोशिश करके पकड़ा गया। बागपत के मिथिली डोला के पास अनियंत्रित कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर डेथ हो गई। झांसी के नवाबाद इलाके में खेत में मरा हुआ तेंदुआ पाया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस जांच शुरू की। इक्कीसवीं कॉमनवेल्थ गेम्स के 4th दिन वेट लिफ्टर पूनम को सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडल उन्होंने पाया है। देश को सम्मानित